What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, आज का वीडियो स्ले पॉइंट का है जिसका नाम है Never Shop From Instagram Reels. And I know what you're going to say. So, ये जो टाइटल है ऐसा क्यों नहीं करने का? मेरे लिए ही बना है वो. इसके लिए ही बना है. और ये क्यों नहीं करने का ये अक्षता अपने मुंह से बताएगी. I think let's keep it at the end of the video. So, पहले अपन देखते हैं कि इसका क्या रीजन है कि स्ले पॉइंट क्यों बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम रील से खरीदी नहीं करनी चाहिए. अगर उससे आप कन्विंस हुए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं कन्विंस कर लूंगी. ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, नो बट आई लाइक इट डजंट ऑलवेज हैपन बट लाइक या आई हैव नॉट हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ओके चलो, एनीवे लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक बापरे मैं अभी तक ठीक हुआ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है. एनीवे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट. तुमने सोचा है तुम्हारे आसपास के दुकानदार अंकल जिनसे तुम रोज का सामान लेते हो, कच्चा वगैरह, वो अगर इंस्टाग्राम सीख जाए तो क्या होगा? अंकल फट जाएगा. इनका तो नहीं फट रहा, रुपए का ले जाओ, 50-60 रुपए का बेच, चीजें फेंक रहे हैं. ओ भाई, ओए रुक जा भाई, ओ भाई सब पहले पुतलों की चुम्मियां करवा रहे हैं. एकदम तोड़ो फोड़ो मार्केटिंग, लिटरली माय गॉड, स्टॉप इट. अरे ये तो वो था ना, ठकरे ठकरे वो बंदा था वो. आई डोंट नो. रुपया सेल में मिलने वाला, देख सकते हो, टूटेगा नहीं ना फूटेगा, फिर टूटेगा नहीं ना फूटेगा. ये क्या, चार पांच पार्ट्स तुझे तोड़ेगा. अबे फूल वाले भी रील बना रहा है. प्रिंसेस ऑफ पर्शिया, मन कर रहा है इन्हीं से गुलाब खरीद के इन्हीं को दे दूं घुटने पे. हर कस्टमर के मोबाइल में इनका नाम पूकी गोपाल से सेव है. पेमेंट करने का भी नया तरीका, स्कैनर लेके भाग जाते होंगे, इसीलिए इन्होंने QR कोड अपने कमर पे ही टैटू करा लिया है. आपकी कमर पर 20 रुपए प्राप्त हुए. टिकटॉकर्स को भी पीछे छोड़ दिया दुकान वालों ने ट्रांजिशन वीडियो बनाने में. अरे लगी क्या यही शगुन टेक्सटाइल? या दिस वन आई हैव सीन. ये शगुन टेक्सटाइल है. क्या यही शगुन टेक्सटाइल है? हेलमेट उतार तो दिखेगा, एक्सीडेंट के बाद लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं, ये शगुन टेक्सटाइल पहुंच गया. अरे भाई डॉक्टर को बुलाओ. भाई आप आ गए एमएमओ बेबीज में, यहां पे बच्चों के प्रोडक्ट्स, न्यूबॉर्न के प्रोडक्ट्स. आई हैव सीन दिस वन. हेलो मैम, मैं रील बना रहा हूं, आप देखो ना सामान. ओके ठीक है ठीक है. ये कुछ नहीं है आपको? कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए अब तो. और इनके दुकानों को छोटा मोटा मत समझना. ओके, सेलिब्रिटी स्पॉटेड नियर मलाड स्टेशन. कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है? क्या मालूम कौन है भाई, कौन है? राज कुंद्रा के फैन भाई. ये तुम्हारे दुकान में कौन आया था? रणवीर सिंह है ना, वो आया था. राइट, रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स. वो आया था. इनोवा में ही तो आएंगे वो, 4 फुट या एग्जैक्टली सेम दिख रहा है. स्टूल पे चढ़ के पप्पी देता होगा ये. भाई ये कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है? क्या मालूम कौन है भाई, कौन है? अरे वो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो आया था काजू खाने. वो अगला प्रेसिडेंट बनने के लिए उसने बाल घुंघराले किए, काले भी. अगर आपको झूठी बोलना था तो कंगना रनौत बोल देते, या मलिंगा. वो बिक जाता, वो आया था. और ये मार्केटिंग के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करेंगे जो इस धरती पे एक बंदा नहीं लेने वाला. हमारे पास आ गई है 4 सदा की चप्पल, आपके लिए स्पेशल चप्पल लेके आया हूँ. छोटा लग रहा है, 2 साइज बड़ा है क्या? यूँ अंगूठे पे टाइट ना हो ना वहाँ. इसको पहनना है या इसमें सेटल होना है? मुंबई में तो 2 करोड़ का बिकेगा ये 4 BHK. और फिर ये चड्डा का है. व्हाट इज दिस टारगेट ऑडियंस? आती लुक्स लाइक अ मच्छरदानी. 4 सीटर 6 सीटर आने लगे क्या? SUV चड्डी, ये पहनने वाला इंसान ना पादनी तूफान मारता है. इसको सुबह खिड़की पे सुखाने डालो, पूरे घर में अंधेरा छा जाएगा. अब ये पहनने वाले का पिछवाड़ा ही नहीं घुसेगा दुकान के दरवाजे से, लाओगे कैसे अंदर? और इतने क्रिएटिव दुकान वाले हैं तो कस्टमर भी हाई फाई ताज होटल वाले हैं भाई. दिस इज नाइस शूज, हाउ मच? बट योर द ब्रांड इज Hululu कंपनी. मैं शशि थरूर फ्रॉम कुर्ला. द ब्रांड इज Hululu. लगता है गुची से भी महंगा ब्रांड है. ब्रांड Hululu. इंग्लिश ने ना अपने नसों में Hululu डाल के जान ले ली. दिस इज Hululu. या इज दिस इज द नाइसेस्ट Hululu कंपनी. नाइकी को Hululu ब्रांड बना दिया. या इज दिस इज द नाइसेस्ट द Hululu कंपनी. द ब्रांड इज Hululu. सो 500 रुपीस. ओके, यू आर पैकिंग. सो यू आर द यूज द कार्ड. ओके, यूज द कार्ड. बोल बोल के पैन कार्ड पकड़ा लिया इस अंग्रेज. ओ भाई साहब, 6 मंथ्स द MI आल्सो. MI
छह महीने का मुंबई इंडियंस क्यों मांग रहे हैं? अबे ईएमआई चाहिए उसको। इन्हें इंग्लिश तो आती है, फिर थोड़ा इधर उधर निकल जाता। और इतने सब में भी अगर आप इनसे शॉपिंग के लिए कन्विंस नहीं हुए तो ये प्रोडक्ट को अपने पे अप्लाई करके दिखाएंगे। सालों के चर्बी वो पीछे दी। एक सेकेंड भाई साहब। अंकल जी एसी चलाओ भाई। अंकल गॉट मूव। शकीरा के बाप आप यहाँ? उनके हिप्स डोंट लाए, उनका तो पूरा लाइट डिटेक्टर भाई साहब। मुझे भी करना है यार, नवाज से नौरा बनाने की मशीन। तू क्या भी कर सकते हैं ये यू गए। अंकल आप सॉस की बोतल नहीं हो कि हिलाने से सब अंदर का निकल जाएगा? इसने फ्राइज और पेरी पेरी मसाला अलग खाया, अंदर शेक शेक फ्राइज बन रहे हैं। अब चर्बी से पसीना ना निकला। क्या चल रहा है? सीधा नहीं हो पा रहा ब्रो। शेक शेक फ्राइज बेस्ट थिंग। I don't like it. मैं लिटरली जब से वो आया ना पीरी पीरी फ्राइज, तभी से मैंने नॉर्मल फ्राइज खाए ही नहीं है। I always have पीरी पीरी। इतना बढ़िया रहता है ना यार, एक नंबर। That is like the bare minimum मैक के फ्राइज जो मेरे को भी पसंद है। For me like fries is literally fries, like I don't even like ketchup or anything with it. ये अजीब है एकदम, very very weird. अरे the baby makes a return. अरे सेम यही है। हाँ जब चार दिन के कॉन्स्टिपेशन के बाद फाइनली निकल जाए। सबके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वाइब्रेटर। यूजफुल होने वाला है। रेनकोट बहुत ट्राई करेंगे अभी। पोकेबॉल फेंक के पिकाचु बना दिया। ये काफी इजी टू कैरी प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं पे भी लेके घूम सकते। भाई मर चुका है अंदर से। ब्रो जस्ट सेड बनाएंगे बोल के जादू बना दिया। और नॉर्मली अच्छे ऑफर सुन के लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड, पर इनके ऑफर सुन के भाई उठ जा। ओ भाई बेहोश हो गया, लैपटॉप लेने आया था, लैपटॉप पे ऑफर सुन के बेहोश हो गए। सीआईडी में हमेशा लास्ट का रोल यही करते हैं। क्या ऑफर थी? दुकान में आधा टाइम कस्टमर को रिवाइव देने में चला जाता है, क्योंकि कैशबैक का ऑफर सुन के लोग बेहोश हो गया है। लोग सब ऑफर सुन के बेहोश हो रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? पानी ले गया, पानी पानी पानी। एक और ऑफर का, मुर्गी का दौरा, कॉकरोचेस आफ्टर काला हिट। इनके दुकानों में लाशें टाप के जानी पड़ती है। वो तो हंस रहे हैं भाई, मैं भी बेहोश हो रहा हूँ भाई। चलो भाई क्या चल क्या रहा है? बेहोश हुआ है भैया। क्या हो गया भैया? बेहोश हो गया, ऑफर सुन के बेहोश हो गया। इनके दुकानों के साइड में ना हॉस्पिटल खोल, हर घंटे 10-10 बेहोश मरीज फ्री में आते रहेंगे। दुकानों से आना आप कमा लोगे। भाई दो दिन से नींद ही नहीं आ रही है, फट से कोई ऑफर सुना दे। मैडम अभी 100 ऑफर चल रहा है हमारा। अच्छा आइडिया। हेलो, बेहोश भी हो गई जा मेरा बच्चा। मेरे को ऐसे स्टार्टिंग में था यू नो कि मेरे को नींद नहीं आती तो मैं अक्षता को कॉल करता था, फिर अक्षता इतनी पकाती थी कि ये सो जाता था। अक्षता इतनी अच्छी बात करती थी ना कि वो बातें सुनते सुनते मैं एकदम रिलैक्स होके सो जाता था। राइट। जी मम्मी लोरी ऑफर सुनाया करो, उसी से नींद आती है। हैं? आजकल किडनैपर्स भी 10 रुपए में 2 चड्डियों का ऑफर। भैया बेहोश हो गया, ऑफर सुन के बेहोश हो गए भैया। अरे इसको कौन सा ऑफर बता दिया किसी ने? क्या अबे इसको एक्चुअल में हार्ट अटैक आया है? ओह शिट शिट शिट। और जो ऑफर सुन के बेहोश ना हो उन्हें मिलता है फ्री सामान। ये अंडरवेयर ऐसा है, ऊपर क्यों पहने हो भाई? भाई 2000 रुपए का मैंने कपड़ा लिया, मेरे को चड्डी फ्री में मिले। चड्डी फ्री में मिला क्या भाई? शिकायत कर रहे हैं। फ्री में मिला है क्या? चड्डी मिला है क्या? चड्डी और छू छू के कंफर्म कर ले भाई। चड्डी फ्री में मिला क्या भाई? वो चड्डी आप लोगों को भी दूंगा भाई। 2000 की शॉपिंग करो, 2000 की शॉपिंग करो। 2000 की शॉपिंग करने से अच्छा मैं सीधा 50 की चड्डी ना ले लूं। शॉपिंग करोगे ना तो भाई को जो चड्डी दिया हूं ना मैं आप लोगों को, वो चड्डी आप लोगों को भी दूंगा भाई। वो सेम वाला नहीं चाहिए अंकल, बेहोश हो जाऊंगा भाई। आप भी पहनो, दोस्तों को भी पहनाओ चड्डी भाई, दोस्तों को भी पहनाओ चड्डी भाई। इतना भाईचारा ऑन बॉटम नहीं है हम दोस्तों का, हम अपना अपना खुद पहन लेंगे। चड्डी चड्डी फुल चड्डी आर्मी बन जाएगी यहाँ पर। बाप रे 5000 की शॉपिंग कर ली ना तो ये अंकल अपना ही उतार के दे देंगे, चड्डियों के मिस्टर बीस्ट, चड्डी आर्मी बन जाएगी यहाँ पर। फिर ये ऑफर्स बताने में इतना घुस जाते हैं कि प्रोडक्ट ही भूल गए। वाइब तो है पर 500 वाइब है ना, लेना क्या है? क्या क्या देख रहे हैं? क्या लूं? अरे चुप कितने में हो भाई भी। और आपको पीटना हो तो ये मान जाएंगे सिर्फ 150 में। ये ऐसे फेक ऑफर ऐड करते हैं जो कभी किसी कस्टमर को मिलना ही नहीं। क्या मोबाइल दिए हो, पूरा चल नहीं रहा, पूरा हैंग हैंग मार रहा है। तो दुकान वाला उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए, मैं आपको आईफोन दे रहा हूं, दो आईफोन देना, फ्री आईफोन ब्रांड न्यू। गुस्सा नहीं करना चाहिए,
गिफ्ट टू देम, गिफ्ट टू गिफ्ट स्मार्ट वॉच फ्री आपको। बैग दो, बैग 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 साथ में एयरपोर्ट दे दो फिर, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट एयरपोर्ट। एक बंदी भी पटवा दूं मैं सर, बुर्ज खलीफा में फ्लैट, चांद पे जमीन, ये लो उसके पेपर भी आप ले लो। एंड कट। चल अब दे वापस, दे दे दे, थैंक यू, दे दे वापस बैग, आईफोन भी दे, निकल। सर मेरा एक्टिंग का पैसा। वो 50 रुपए तेरी ओवर एक्टिंग के काट लिए मैंने, जा और मेरे भाई गुस्सा मत करो यार। अरे भाई किधर जा रहे फुग्गा वुग्गा लगा के? अरे भाई आपको पता नहीं हमारा कपड़ों का शॉप ओपन हुआ एकदम न्यू शॉप की ओपनिंग हुई है कपड़े में? न्यू बैंक्वेट हॉल बन के घूम रहा है, बर्थडे इसके दोस्त का होता है, पार्टी बन के ये घूमता है। भाई ये फूल वूल लगा के कहाँ जा रहे हो? अरे वो दोस्त की शादी है ना, तो मैं ही मंडप बना हुआ। चलो चलो लेट हो रहा है फेरों के लिए। ये कभी जूते की दुकान बन के घूम लेता है, कभी अलमारी। भाई 100 रुपए में एक शर्ट मिल रहा है, इसलिए तुम्हारे भाई ने स्टाइल लेके आ गया कपड़े का। ये भाई रोज जूडियो में सेल वाली रैक बन के खड़ा होता है। ये डिजाइन मस्त है, तेरे औकात के बाहर है क्या? ज्यादा बोलिए, ये ले, ये ले। नहीं चाहिए। अरे सुल्तान भाई एप्पल फेंको ना जरा। अरे भाई ये क्या करे, मैं खाने वाला एप्पल मांगा था, तुम चलाने वाला फेंक दिया भाई। स्टीव जॉब्स की भटकती आत्मा टचिंग स्क्रिप्ट। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई तू डॉक्टर, मतलब कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी, आई स्वेयर टू गॉड मेरे को भाई साहब ऐसा लैपटॉप कैसे फिक्स, लैपटॉप ने कोई भी टेक Exactly. टेक बाइक मेरे को इतने प्यारे हैं ना कि ऐसा मैं कुछ देख लूँ मेरे को इतना दर्द होता है ना अंदर से। वो बंदे ने फोन ही ऐसा फेंका तभी मेरे को ऐसे लगा यहाँ पे तो ये बंदा लैपटॉप ही फेंक रहा है पूरा। डॉक्टर को अभी मत कर, चेकअप करा ले। एप्पल फेंको ना जरा। इसे किंगफिशर देने बोलो तो भाई ये चिड़िया पकड़ा देता है। अमेज़न से सामान लाने बोला, भाई अभी अमेज़न जंगल में है। तुमको एक ही जन बचा सकता है। कौन? मेंटल हॉस्पिटल। वो स्कूटी गिराई है रोड पे सिग्नल के ऊपर, सिग्नल पे सोचो पब्लिक खड़ी है, धक्का मार के आए गिराई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। नहीं मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं होता तो भी इट वाज़न्ट, आई नो बट लाइक लोग क्रॉस करते रहते ना, इंस्टेंट सेल होगा, प्राइम प्रॉपर्टी है। कपड़े बेच रहा है 1000 में 10 सेल है भाई। को एक ऑफर सुना के ना मुझे परमानेंटली बेहोश कर दो, पूरा ट्रैफिक रुका है इनके रील के लिए। हैशटैग दुबई, कहाँ है दुकान? कहाँ पर दुकान है भाई आपकी? भाई नालसवारा वेस्ट है भाई, नालसवारा वेस्ट। भाई 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 अरे क्या हो गया आपको, गिर गए क्या? अरे फिसल गया उससे। किस पे फिसले आप? ये केले के छिलके पे, अच्छा केला था। सबसे ताजे केले और फल आपको मिल जाएंगे सिर्फ अंधेरी वेस्ट में मेरी दुकान में। आइएगा जरूर मेरी दुकान पे, आ सकते हैं बेस्ट ऑफर्स। मुझे लगा सही में चोट आई है, लाइक का जमाना ही नहीं रहा, सिर्फ ऑफर ऑफर बेचना बेचना। मैडम 10 में 2 तरबूज का ऑफर। केले लफड़ा हो गया, भाई पे। भाई क्या हुआ, लड़का मिला कि नहीं जो ठोका था? पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया, पर हमें फर्नीचर लेना था वो सही जगह पे हम आ गए। अंकल लेकिन आपकी गाड़ी ठुक गई, उसका क्या? पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया, पर हमें फर्नीचर लेना था वो सही जगह पे हम आ गए। मुझे बचाओ, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाली। आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, मेरी बेटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बेटी बेटी कहाँ है? बेटी शॉपिंग कर रहे हैं। खुश लग रहे हो, आपकी बेटी मिल गई? बेटी का तो पता नहीं, पर हमें दारू लेना था तो सही जगह पे आ गए हम। रात को टिकानी थी, सस्ती मिल गई भाई। और अपने कस्टमर्स की बहुत इज्जत करते हैं दुकान वाले, प्रोडक्ट की होम डिलीवरी ना, कस्टमर की दुकान पे फेंक के डिलीवरी। माय गॉड, इतना चाहिए उतना ले ले, ऑर्डर प्लेस करते तुम ही पैक होके उठा लिए जाते हो और तुम्हें ही डिलीवर किया जाता है ऑर्डर के ऊपर। डेली फोन करके पूछता है ढोने क्या ले ले। तो इनसे किसी ने पकौड़ा मांग लिया तो मुझे ही बेसन में लपेट के कढ़ाई में फेंक देंगे भाई। ले ले पकौड़ा, ले ले ले। और आज तक लोगों ने बहुत चीजों की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की है, आईफोन की, टीवी की, पर ये लोग चड्डी की ड्यूरेबिलिटी दिखा रहे हैं।
खींच खींच के क्वालिटी दिखा रहे, क्वालिटी दिखा रहे मैडम जी, ये देखो क्वालिटी ना फटेगी ना फटने देंगे बिल्कुल, इतना मर्जी खेच लो अपनी भैया, ना फटेगा ना फटने देंगे। इतना कौन खींच रहा है, मात्र 15-15 बेच जाएगा, 10-10 रुपए का, मात्र 10-10 रुपए में ऐसी वैरायटी, 10 रुपए का तो 10 रुपए में खेच लो, फटेगा नहीं 10 रुपए। इससे टग ऑफ वॉर खेलनी है हमें, ट्रेन की बोगी जोड़नी है अच्छे से, बैठ के झूला झूलना है, पॉइंट क्या है इस फीचर का? वो टांग खींचते हैं, चट्टी कौन खींचे जा रहे हैं, लोग बस थोड़ा सा खींच के पहन लेते हैं, चाइना तक पैर नहीं फैलाना पड़ता, जो इतना स्ट्रेच चाहिए, ना फटेगी ना फटने देंगे, ना फटेगा ना फटने देंगे, इसका क्या मतलब, मैं ज्यादा पैर फैला रहा हूँ तो आप लोग नहीं, मैं आ गया है कौन, ना फटेगी ना फटने देंगे, पकड़ी हुई है मैंने, तू कर ये बाबा चड्डी नहीं, अबे छोड़, टूटेगा ना घटेगी ना घटने देंगे, सब्सक्राइब करो, जो भी भाषा बोलते हो उसे करेक्ट बोलो, और बाबा किसी की चड्डी फट रही है, ना फटेगी ना फटने देंगे, तो मैं जा रहा हूँ बचाने, और द ब्रांड इज हुलुलुलु ब्रो, लाइक ये इतना उन्होंने वो ट्विस्ट कर दिया ना कि फटने नहीं देंगे, एक आदमी आके चट्टी पकड़, इट्स अ यूनिट, ओके आई लव इट, चट्टी प्रोटेक्शन यूनिट, माय गॉड, आंख से मेरे पानी आने लग गया, टू फनी आ लुलु, बट इसमें से मैंने सिर्फ वो वाले देखे थे जो बीच में आया था ना, कि वो अलग क्लिप हो रहा है, जंप होके, वो मैंने एक्चुअली इसमें से एक ही देखा था जो एक्सीडेंट वाला था, वो थे वो गिर के आते हो, एक ही देखा हुआ वायरल हुआ रहेगा प्रोबेबली, मैंने बाकी कुछ भी नहीं देखा, एक भी क्लिप इसमें से देखे नहीं थी मैंने, एनीवे सो मेरे को एक्चुअली लगा था कि इट विल बी लाइक आपको प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं खरीदने के लिए, बट दिस वाज मोर ऑफ द एडवर्टाइजिंग टाइप, ओके सो एक्चुअली दिस मेक सेंस कि अगर एक्चुअली पता नहीं एडवर्टाइजिंग अच्छी हो या बुरी हो, इट्स लाइक वो लोग ऑब्वियसली फन के लिए कर रहे हैं, क्रिंज कंटेंट वायरल करने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ उसका लेना देना है नहीं, बट इंस्टाग्राम रील्स पे से क्यों अपुन ने नहीं खरीदने का, यह भी अक्षता बताएगी, और बट मैंने एक सेकंड, मैं अक्षता को उसके पहले एक चीज बता दूं, लास्ट अपुन जो वीडियो देख रहे थे राइट, लेटेंट वाला वीडियो, उसमें मैंने एक पॉइंट कहा था कि वो लड़की जो स्टोरी बता रही है वो एक्सेस पॉइंट बता रही है, ओह माय गॉड, मेनी पीपल अग्रीड विद मी ऑन दैट कि या एस टू यू आर राइट कि वो लड़की जाए नहीं, वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, बट डू यू गाइज रियली हैव अ चॉइस, मतलब अगर आपकी बहन गर्लफ्रेंड फ्रेंड कोई भी ऐसी स्टोरी बता रही है तो आप तो चुपचाप से सुन के लेंगे ना, वही अभी क्या लड़कों का वही रहता है, ऑप्शन ही नहीं है, एग्जैक्टली, बट लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि हमें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बट जब मैं कभी कुछ एकदम एक्स्ट्रा शॉर्ट में बताती हूँ तभी यू आर लाइक उतना मजा नहीं आता है, कुछ भी या कुछ भी, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि ये जो भी बोल रहे हो फट से खत्म हो जाए, सो दैट अपन और बातें कर सके, मोर एंड मोर अबाउट व्हाट, लाइक ऐसे पॉइंट्स पे आके, चलो एनीवेज व्हाई यू शुड नॉट बाय थिंग्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, नो बट फ्रॉम इंस्टाग्राम आई नॉट लाइक रील्स, फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बैड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, बैड मनी स्पेंट एक्सपीरियंस, मनी भी मैंने स्पेंड किया था, कम ऑन, अक्षता भी बताएगी, सो मैंने कहीं पे दिल्ली या कहीं से तो था वो पेज, इट वाज बेसिकली ऑफ दिस गर्ल हु मेक्स रेजिन किट, लाइक थिंग्स विच लुक लाइक मार्बल फिनिश काइंड ऑफ, तो मैंने एक वॉच मंगाई थी, क्लॉक सॉरी नॉट वॉच, वॉल क्लॉक, एंड इट टुक अबाउट 10 days टू कम, and when it came I was in office and he took the delivery and he was like are you sure this is the right product, nahi mera kaisa kuch bhi delivery ho jaye, he sent me a photo and I was like photo mein to acha hi dikh raha hai, like it looks like you know what I saw on Instagram, I was like main ghar pe aake dekhti hu, ghar pe aake dekha it's like legit, it's like acrylic ki sheet, us pe thoda sa color water color jaise kuch to kiya hua hai, even the hands of the clock are like very flimsy, very aise matlab bilkul cheap quality ka tha,
ओके एंड दिस थिंग वाज वर्थ लाइक आई थिंक 2,000 or 2,500 रुपीस ओके आई थिंक नहीं मेरे को पूछो 2,500 एग्जैक्ट अमाउंट मैं बोल रहा हूं वो आई थिंक बोल रहे हैं मैं एग्जैक्ट अमाउंट बोल रहा हूं इन दैट रेंज मैंने वो देखा मैंने अक्षय को बोला अक्षय क्या ये बन गया अक्षय जी हां आई मीन 2,500 मैं बोला ये 250 रुपए का भी नहीं लग रहा घड़ी और ये बंदी ने लाइक प्रॉपर ऐसे डाइनिंग टेबल्स और कॉफी टेबल्स और क्या क्या वो सेम टेक्निक से बनाया हुआ था एंड इट लुक सो गुड एंड ऑब्वियसली लाइक उस पर जो कमेंट्स वगैरह थे वो भी अच्छे ही थे एंड इट वॉज लाइक एन इंस्टाग्राम शॉप सो लाइक देयर इज नो other reviews nee, or anything know, you know that what? you can go by you know what aisa ho sakta hai ki theek hai chalo wo hisab se uske products acche hai acrylic ke hisab se wo acche hai theek hai but the cost pricing, is not yeah exactly be like that. acrylic aap leke mere ko 2,500 ka nahi bech sakte ho na jiski price hi utni nahi hai and the worst thing was when I sent her a message saying that you know this is not the quality that I was expecting and you know these are the issues this woman didn't even reply back or anything aise message seen karke hi chhod diya to wahi pe it was like you know like ye scam hai scammy hai ye pura and I have worked on e-commerce and I have worked in like the jewelry like a fine jewelry diamond gold dealing kind of e-commerce so meko pata hai how important it is to have like actual images actual description and details of the product So I don't find it cool to like you know scam people like this on such products which could you know nahi hoge zyada story lambi karne ki zarurat nahi hoge that was like very disappointing so after that to maine soch hi liya hai ki bas instagram se kuch lo hi mat agar instagram se lena bhi hai to like buy if only if they have a legit website I am aisa banda hu na mere ko jo bhi main kharid raha hu na I want to dekhne ka hai mujhe feel karne ka hai उसका पूरा बॉक्स भी मेरे को देखने का है पेटी पैक है फटा है नहीं है जो भी है क्योंकि भाई मैं अपना पैसा दे रहा हूं मेरे को सब देखने का माय दिस थिंग इज लाइक यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू आल्सो सपोर्ट लाइक स्मॉल बिजनेसेस एंड यू नो वैसे पॉइंट वो नहीं है बिकॉज़ दैट इज हाउ पीपल स्टार्ट देयर वर्क मैं छोटे दुकान में भी जाके खरीदूंगा मैं किसी के मैं किसी के घर पे भी जाके खरीदू चलो मैं तुम्हारे बिजनेस से मैं खरीद मंगा भी लू मैं कपड़े भी मंगा लू लेकिन मेरे को रिटर्न का ऑप्शन चाहिए I mean, I would have still been okay if this resin woman would have responded to my message with something that, you know, oh, I'm sorry that, you know, I would have still given it, like, you know, it's just scam. एक रीजन इस जो भी आप खरीदी करोगे ना थोड़ा संभाल के खरीदना I prefer physically मेरे को देखने का है तभी खरीदूंगा ऑनलाइन में नहीं खरीदूंगा आपको जिधर चाहिए आप घर पे से बेच रहे हो मैं घर के पे आके मैं ले लूंगा अभी जैसे अपने को एक माइक लेने का है ओके तो ऑनलाइन है अमेजोन पे भी है लेकिन नहीं भाई मैं अगर उसमें पैसा डाल रहा हूँ मेरे को दुकान में जाके देख के लेने का है दैट इज इट ओके लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स दिस वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग 2,500 एक्चुअली लूजिंग 2,250 क्योंकि बाकी की प्राइस वो घड़ी की एक्चुअल है 200-250 रुपए आई मीन फॉर ऑल दैट इज वर्थ इट स्टिल अप इन आवर रूम सो मतलब अभी मतलब कुछ भी हो टाइम तो दिखा दी है वो है ना 2.5 लाख की नहीं है टाइम वही दिखा दे वो सीन इट्स एटलीस्ट फंक्शनल तो अरे चलो लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू वेरी मच आज हम लोग को ज्वाइन करने के लिए अपन ने काफी बातें भी की बढ़िया लगा मेरे को आई एम रियली हैप्पी टुडे फीलिंग गुड थोड़ा एनर्जी वापस आ गई है So thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.